हम डांड जाना काम चाहो जरा मकाना किलो भगना सीरे गांव बैठे तो बहुत बड़े गांव छे पानी खेती बाड़ी तू से बड़े रास नो तूने कुन सो पड़ा तो मकान उक बनाने थे मत हां जी आ ई के है रोड छै नहीं गांव में थे तो डांड तो पानी भी दिखत आ एक पानी दिखत लेके सड़क चकर में एक बगल में हां सड़क की दिखत के कवे आ जो ई मकान सीरी कोनी भी ये सो भी आई चकर में जा हूं सब रोड चक्कर में सब रोड चक्कर में पेपर की वीडियो बना रो लेगी ना प्रधानमंत्री ने जाड़ो ये वीडियो हालत खराब हो गया सीढ़ी छे नहीं 400 500 सीढ़ी वाला सांस फूली है ये गांव में सड़क जरूर बनानी चाहिए तब ये गांव देखें प्लान रुका लो सड़क का सर्वे भी हुई लेकिन सड़क किराया नहीं आनी चाहिए ये बात अभी तक समझ में नहीं आया तीन बगद सर्वे से वापस जल्दी बगदा के अरे फिर तो सर्वे था सर्वे हुई चे सर्वे होने चे पांग नहीं पड़नी तीन इन बुढ़े लोग सर यूर करके जान चोल थे यूर सड़क आनी चाहिए ना बीमार सा सर्दी लगी हम तो ना अब उपजान भी बोले हूँ कि ना हम सक में परान छोड़ दी तो छुट्टी भी दूर से एक डिग्ला मर सो और छुट्टूच हम तो तुमने राशन मिल दी मित्र हम जय नहीं सके हमार दी नहीं थे तो उनका कुछ तुम्हारे कंट्रोल चल से ना हाँ सर्दी बुखार है यार चिन्नी ना दोनों जो खड़ू आ रहा करके जाना वो परान दे बर्दा श्वास रोक जाना होता कौन सगड़ा गुड़ ही सगड़ा बांध रही है चल उतन बागों हाँ रही उतन डर हाँ जी ए बाबा हमार जीज भी चेने होगा अब क्या नाम जाओ साहब तेरे तीन बच्चे छह स्कूल में हाँ ग्राम दसमेरी विकास खंड द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड ए गांव में मोटर सड़क नीचे यहाँ को जैसे ए गांव बिट्टी लोग प्लान करना छन यु गांव चलो सैन बाजार को सबसे नज़दीक को गांव च लेकिन सड़क नहीं होने से एक प्लान जारी च नमस्कार प्रणाम मैं सुरेश बरूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति अभी मैं चलो सैन और देवी खेत के बीच में छो और आज दस मेरे जानो छो दस मेरे गाँव का नाम देवपुरी बीच ज़्यादातर लोग दस मेरे नाम से जानते हैं यो देवी खेत रोड च और इन तरफ अगर हम घूमला तो चैलोसैन रोड से चैलोसैन देवी खेत के बीच में यो दसमेरी देवपुरी गांव का रास्ता जान दो बड़े रास्ता है और यो यात्री सेठ जी गांव ये यात्री सेठ है बगल बटे यो रास्ता जानो चो दसमेरी देवपुरी दसमेरी लोग धीरे धीरे सड़क की तरफ खिसकने बैठ गए प्राकृतिक नज़ारा छोटी छोटी पूड़ी छ लेकिन पूड़ी बंजर छ अभी आप लोग मछड़ी कह वाला इतने घोर हम डांड जाना काम चाहो जरा मकाना तो मकान उक बनाने थे मत हाँ जी आ ई के है रोड छ नहीं गांव में रोड समझ से रोड कर पानी में जरा पानी गांव में थे तो डांड तो पानी भी दिखत अत एक पानी दिक्कत चले के सड़क चक्कर में एक बगल हाँ, में सड़क की दिक्कत के कवे अ जो ये मकान थी कोनी भी ये सो भी आई चक्कर में आ ऊब सब रोड चक्कर में सब रोड चक्कर में बंद रात मूल लोग बैठे वाले आन जान बहुत बढ़िया लोकेशन जी गांव और पल्ले तरह ये बमोली गांव से बमोली गांव की वीडियो आप गढ़वाल की संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और एच बमोली खाल से ये बमोली खाल बमोली खाल और बमोली गांव पूरा रास्ता में सीढ़ी सीढ़ी नहीं वहाँ सीढ़ी नंबर रास्ता जाने को भी दिक्कत और आने भी दिक्कत ये गांव पहल घर जो है दीदी से ना इन आता भी छन्नी जे मरगा से आप नाम क्या जावे देवी नीचे ना पकड़ व्यापार भी तुम्हें कर दो व्यापार भी नहीं लौड़का लौड़ बाबा कर दे बा उन फोन पर करे ना बात अच्छा भी हो रहे गया तो फोन पर बात हो जाए रोड के लेने नहीं अरे भाई तो रोड से तीन बगदा सर्वे से वापस जल्दी बगदा के अरे फिर सर्वे हुई छे अब गांव में सुबह मु लोग में देखा था बात ममल देखा था कुठार देखा गांव रोड है बोले सा कभी सड़क आले पाछे के पता के बेड़ने दे तक सड़क यार आपको कुन दे डालो को सही बात है कल से सड़क चल गया थकला मंग कल कुन दे डाल बेड़ हां जी बहुत बढ़िया लगन एक तरफ लोहा रेलिंग से एक तरफ बांस टाट छ बांस फटे से बाढ़ नीचे
दीदी नमस्कार। तो गुड़िया प्याज हाँ जी क्या नाम जाऊंगा पानी खूब सुविधा है, लकड़ी वगैरह भी सही है, बस रोड कमी है। थोड़ा सर्वे तो वैसा एक दो तीन बार। हां जी मैम सर्वे वैसा बस। अच्छा। बस सर्वे होने च पांगने नहीं पड़नी। हां जी बस। अच्छा आपका नाम क्या जी? रिया। आप कहीं क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ। कहाँ? चौलीसन। इकबाल चौलीसन जान में कितने टाइम लगो? आधा एक घंटा। जान में? और आन में? आन में तो 15-20 मिनट में पहुँच। तो तुम तो दौड़ दौड़ काम दे रहे हो ना? सीढ़ी से मत सड़क पर ना गाँव तक सीढ़ी सीढ़ से मैं यार तो खुद खप जाएगा ना आज। ये कुत्ता दौड़ खुद कुत्ता एक चढ़ नुझे कुत्ता समझदार छो पूरा गांव में सीढ़ी छन मोटर सड़क बटे और गांव के लास्ट तक सीढ़ी सीढ़ी छन ये छने शुरू गिन ये ना एक साइड छने छने छने। अच्छा घूम गांव ठीक है जी। भाई सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ ठीक ठाक सर। खेती बाड़ी तो नहीं कहाँ पर बस रुक थे लोग ऊपर गया। हाँ बस खेती बाड़ी तो नहीं। खेती बाड़ी करे नहीं कर दो हाल। अरे बजे तो अगर जानवर कुछ ऐसे अब खेती सब छोड़ यार लोग। हाँ जानवर ज़्यादा आतंक से। जानवर ज़्यादा हो चुके। आप सुबह नाम क्या जी? मैं देवेंद्र। अच्छा बकर क्या खुले दैनिक? बकर खुले दैनिक 12 बजे। हो यार नान दूर आजकल ठंड तो आजकल कम नहीं है। भैंस का ही नहीं वो बिगो नहीं तुम लेन क्या? अच्छा गोड़ से लेन बैठ जा। अब आंदा बैठ ले वापस में आंदा। अच्छा बैठ उठ बैठ ना। हां बेटे क्या करनी चाहिए तू पहली तुम्हारे गांव सड़क के लेने नहीं ये बस 3 लाड़ से बेटा सड़क के काम में दिक्कत ना लाड़ से पर मैं उठाई नहीं सक। हम तो बाबा बुना चाल ला ला कर लोग मैं उठाई नहीं सक सड़क ये बे 3 कन का उठान से बक्के कन बहुत परेशान था। बारे गर रही सड़क गर रही नहीं सड़क गर रही मुकमा गर रही बजो आने दिन बेटा। आप आ कोचो अब आ जाए। हां भाई जी आप पहाड़ की संस्कृति चैनल गढ़वाल की संस्कृति। अच्छा गढ़वाल की संस्कृति ना हम इन दिया जाए उतना को मैं दिया जाए। मैंने हां कई गांव छ बेटा मैं उतना सोमी ये उतना बागो। हां अभी उतना। हां जी राम राम जी की मिल तो बा बहुत बढ़िया। हां बवण में छ। हां जी अच्छा मी छप सुनो कि एकानन में आते खुड़ खप जगे ना खप जा को बता दे छप पे ना उना ने भी खप जा उना खप जगे तो बगड़ तो हर मुश्किल से ये बाबा हमर दीद भी छे लोग। आज के नाम छौ साहब तेरे तो आप सुनम के जे जैक्सन। अच्छा लिबरल छ हम तब उकबा हमर राम ला दिखा हमर दीद जिन में छनो यो जन तो नहीं छ बेटा। अच्छा अब आप कुछ ही चाहो आप यार जो जो दिनेश भाजी हो नहीं। हाँ 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 तो मतलब हमारे भाजी हो। अच्छा ठीक ठीक चंपाजी जी वही हूँ। हाँ मैं ऐसा की मैं ऐसा जो ढंग है ना मुझे। हाँ वे यार रोड रोड आप बंद बस करा दी अगर बच्चा कहीं कल कहीं कहाँ से पढ़ देना। एक नाइन मच्छन द्वी एक छोटा बच्चा जी एक साल हो चुका दिक्कत है हमको ये तबीयत खराब हो रही है।
सर्दी लगी हम अब जान भी बोले पर छोड़ दी दो बड़े मुश्किल बहुत मुश्किल हम तो ये रोड कर प्रधानमंत्री बिल्कुल मतलब कोई भी अगर एक माचिस बनाने पे जाना पड़ा वो कौन भी बाजार जाना पड़ा बिल्कुल बाकी बैंक को कुछ सब चीज सब डाकखाना और स्कूल बिल्कुल सब कुछ कीजिए सब कुछ अब गांव में भी बच्चा नहीं रहेगा ना स्कूल प्राइमरी स्कूल से दो चार बच्चा चिंता अपने जब सब डांट बजा तो रोड के नए स्कूल में तो स्कूल बंद हो जाए बिल्कुल दी चौक फरकना जो और आजकल जो नए नए बेड पर थे कैसे फरकने प्याज कह जी अच्छा चलो प्याज खूब मटर प्याज गोभी लहसुन सोचना इन इन बुढ़े लोग यूर करके जान चोल थे यूर सड़क आने चाहिए जी ने सड़क आए तो वजह कहनी लोग तो राशन कार्ड तुम्हारे नाम पर जे कार्ड थे तुम्हारे कार्ड थे जे हाँ कार्ड वाल हाथ वाल ना वही तो ये पता वाल भी मिलता कुछ पता नहीं तो बेड भी नहीं जान दूँ बेड तो कितने हैं वो किरे चोल से हाँ राशन तो तुम एक एक प्रधान को प्रधान कौन वाल के हमें राशन नहीं मिली प्रधान जुकाम लगा पहली धरन पुड़ो देख दवाई कारण हम कौन जरा कुछ व्यवस्था ही कौन था एरिम रहेगे गांव में हां जी उन चल गए ना हां गांव में वृद्ध लोग रहेगे ना वृद्ध लोग ज्यादा चल गांव में जवान कम से हां बच्चा लोग नहीं आ चिंता तो बच्चा लोग रहो क्या तो लोग भी जान से अब तो कुर्सी पर ले जानो कोई आदमी नहीं सिनका या ले जा पर लोड़े नहीं सिनकार मत कर ले जाने जे बरता छा ले जाना नहीं रे सिगाय बड़ा ही तो से वीडियो हम लोग को हां उस साइड पर कुर्सी में लाड़ा रे नंदु बुली जाड़ा रे तब भी नहीं सुन गए कनकन चल गई कनकन फैलो था तो देर दिन आ से नर बस हां जी अरे बोटू टाइम मोनस तब बना जेगा तरह तरह ही बोटू टाइम आनो तब बना के रोड आनो तब रोड आनो और जल्दी ला सती वाला जी ने आदमी थन के हां हाँ जी हम काम रोड ले जन थोड़ी थोड़ी को वाकी बानी हो छवे रेस लगे को वाकी बानी हो छो ये रोड की सुदी बुना चा तो हमर गांव बे पार्टी बिदाए हुई आई अब कहां कर उमन उमन जा अब गांव अच्छा ठीक 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 तुम दीद खवार छ हां ना या दे के हां हां ठीक ठीक खवार हो तुम दीद गोनी रे दनो ना उ गजवा रे दनो ये पकड़ के आई छ ना अच्छा आ तुम चरण नहीं होते ना तुम चरण अच्छा तो पैंट तो खूब जी गाँव पर रोड हो जाए तो बस तो हो गया काम बढ़िया हाँ दुई मौक उठ चो दुई मौक जब दुई भरी थे
यू ये भी डांट चल गए पर रोने आने से लोगों सब कोट बार छोड़ देना पर सब डांट चल गए काफ़ी वृद्धजनी मकान बहुत पुराना से और बहुत अच्छी एक बनावट से लकड़ी बहुत बढ़िया लगी है वहाँ ये जीना से गांव काफ़ी अच्छी जगह में से गांव में सभी चीज़ ठीक है पानी बिजली लोग बाग भी खूब छ गाँव में लेकिन गांव में सड़क नहीं है ऐसे लोग परेशान छन और यो गांव को देव मंदिर से मासों देवता को मंदिर खुटू से परेशान था वो हाँ जी तब भाई एक मान का खिंदी जी खुट खुट कच्चा तो है किन का जाना दीदी क्या है खुटू ये भाई भाई उसे घुटने में दर्द अच्छा ये नीचे ये को भी ना कैसे पकड़ पकड़ लूं दो आ कई बार चोल थे जानू जान देता तो कर मजे ना कग जान नहीं जान से साल दो साल हो गए आ कई बार तबीयत तबीयत खराब हो गया है बड़ी परेशान जी सड़क न्यान से बहुत दिक्कत राजे सोरे गोड़ जी ये भी डांड डांड चल गए लेकिन सड़क नहीं आ रहा सब लोग छोड़े चल गए नहीं और यो बहुत पुराना खंडर जी हो डाल तुम गिने पड़ो अपन टाइम पर बहुत बढ़िया कोट है वाल पठाल भी अच्छे से बड़े बड़े पढ़ा से चिड़े बड़ी अगनी चाहे काफ़ी टाइम हो गया तो उजलिया दस मेरे गाँव च बहुत बढ़िया लोकेशन अच्छी जगह में गाँव च इतने बारी जगह में इतने बारी वाल घर पिछे से नहीं लहसुन प्याज खूब लगे जे कह जी तुम ची लहसुन प्याज अब मुड़े कह जी वो हैंग मोक जे हाँ गाड़ी की समस्या बैग तो बढ़िया है गाँव हाँ जी बस गाड़ी मोटर है जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए जंगली जानवर बहुत हो गए तेल कम चुके हैं तो जरूर चली जाओ कि बिल्कुल डर नहीं जो मेरे तरफ आने से भाई ये मेरे नहीं बड़े भगनो ये मस्टाक तोक जी ये नाम क्या लिंगुड़ी लिंगुड़ी जे मस्टाक लिंगुड़ी तोक पैन हूँ ठीक थी क्यों हाँ थोड़ा हैर बर्दी खड़ी चाहिए ना पर कुछ जंगल से गर्मी टाइम पर बड़ी दिक्कत होने लगी गर्मी में आग आग डोर होने लगी गर्मी में बढ़ाक लगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसमेरी बरीखाल पौड़ी गढ़वाल नाम अंशरावत है मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसमेरी है मेरा नाम रोबिन मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ मेरा नाम रिया है मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसमेरी कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में 3 बच्चे हैं स्कूल में हाँ बस और बच्चे कक्षा और नहीं छान और कक्षा पढ़ना और बाजार चल गए क्या बाजार चीज भी दिया बिस्कुट गुब्बारा पेंसिल अच्छा ठीक बढ़िया लग तुम दे हाँ पीट भी जे ना पीट नहीं नहीं जानवर निभावन तो लोग अच्छी खेती कर सकते हैं ये बस दुई दुई मोर दन हाँ दुई मोर दन तभी जो पार्टी से नहीं
अच्छा ये मोदी जी और सड़क तक 300-400 सीढ़ी जो हाली कम से कम दस मेरे गांव में पानी भी ठीक है, लोगों की संख्या भी फिलहाल ठीक ही है, लेकिन धीरे धीरे लोग दस मेरी बेटे और चेरू सड़ना डांड सरकने बैठ गए नहीं, लोग मकान बनाना शुरू कर और गांव की जो जनसंख्या है वो कम होनी चाहिए। उबड़े पलायन लगातार जारी है और ये पलायन को सबसे बड़ा कारण है गांव में सड़क नहीं है। एक माता जी बताना चाहेगी मेरा जो राशन कार्ड है वो चेरू सड़ में है, ये गाँव की जो कंट्रोल की दुकान जो चेरू सड़ में है, लेकिन इवड़े अगर जो बूढ़े आदमी वो जा नहीं सकते और सरकार की जो पॉलिसी है वो यह कि राशन लेना कौन जब जाए तो अंगूठा लगाना पड़ दो, जय नाम पर राशन कार्ड वालो वो अंगूठा लगा लो या वे परिवार कोई जय सदस्य हुकूमत नाम हॉल वो तो राशन मिले। तो इन्हीं लोग जिनकी जो बुढ़े अकेले छन घर वो परिवार में कोई नहीं है वो तो राशन नहीं मिलनी चाहिए, लोग ऐसे परेशान तो सरकार तय अपर जो नीति है ये नीति में संशोधन कम चाहिए दो कि जो लोग नहीं पहुँच सकते राशन की दुकान तक वो तो राशन मिल चाहिए और एक इन्नी मर चलो कि हर आदमी राशन मिल सको। दस मेरे बोलो कि राशन की दुकान स्कूल हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस बैंक और अन्य जो सामान लेना लोग साग सब्जी जो भी आली सब चलो छे बैठ जाए और चलो छे जान जान बहुत आफत जाए फूक निकल जाए उनका हो तो खुद खप जाए ना और उन उब चढ़ो तो कमर दर्द कर जाए, बहुत दिक्कत चाहिए गाँव में सड़क जरूर आनी चाहिए तभी एक लोग रुकल भी। आप तो वीडियो कन लगी कमेंट करके जरूर बताएनी, फिर दूसरा वीडियो मिलला, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।